आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है मूली के पराठों की। सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। ओके जी, तो मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी डो बनानी है, यानी कि पराठा बनाने के लिए आटा गूंदना है। तो आटे में जो चीज़ें जाएंगी वो हैं, इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब घी या ऑयल, जो भी आपको पसंद हो ले ले। मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, ये हमने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हमने हाथों की मदद से मिक्स करना है। अब हमने पानी ले लेना है, ये पानी डालेंगे इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका किस तरह से जो है वो आटा गूंदेगा। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होगा, जैसे कि चपाती का होता है। ये आटा हमारा गूंद चुका है अच्छी तरह से, ये देखिए। हल्का सा हाथों पे घी लगा के, और ये जो हमने आटे डो की बॉल बनाई है इसको हम घी लगा के इस तरह से, और फिर रेस्ट देंगे तकरीबन आधा घंटा। ओके जी, तो जब तक हमने आटे को रेस्ट देने के लिए रखा हुआ है उस टाइम तक हम जो है वो पराठे के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने ये 2 मूली ली हैं। इसको हमने करना है ग्रेट, यानी कि कद्दूकश। ये मैं ये मोटी वाली साइड से कर रही हूँ, आप चाहें तो पतली वाली साइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पतली वाली साइड से करने से ज़्यादा पानी निकलता है इसका। पानी तो खैर बहरहाल हमने आखिर में इसका निकालना ही है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इस तरह से हमने कद्दूकश कर लेना है इसको। ओके जी, तो मूली हमारी सारी ग्रेट हो चुकी है। ये मैंने तकरीबन 2 मूलियाँ ली हैं जिनको मैंने कद्दूकश किया था। कप्स में अगर आप देखें तो तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब ये मूली है। अब हमने इसका निकालना है पानी, क्योंकि मूली जब आप कद्दूकश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, और अगर आप उसको एज इट इज़ सीजन करके और पराठे में डाल देंगे तो आपका पराठा तो बिल्कुल ही फट जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वो पानी इसके अंदर इतना ज़्यादा होगा मूली में। तो इस तरह से हाथों की मदद से दबा के, ये देखें ना पानी निकल रहा है इसमें से, इस तरह से हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो आप मलमल के कपड़े में भी इसको जो है वो मूली को डाल के और उसका पानी निचोड़ सकते हैं। मैं हाथों की मदद से ही दबा के निकाल रही हूँ पानी इस तरह से। ओके, तो ये मूलियों का सारा पानी हमने जो है वो हाथों की मदद से दबा दबा के हमने इसको जो है वो निकाल लिया है। अब ये मूलियाँ जो बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट ड्राई हैं, अब इसके अंदर पानी इतना ज़्यादा है नहीं। तो अब ये हमारा कद्दूकश किया हुआ जो मूली है इसके अंदर हमने डालना है, सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट जाएगा इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं हम क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते घर में कोई भी हमारे यहाँ, तो फिर मैं सिर्फ 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। ये भुना कुटा ज़ीरा है, ये मैं तकरीबन डालूंगी 1 टीस्पून। ये भुना कुटा धनिया है, ये भी मैं तकरीबन डालूंगी 1 टीस्पून। इसके साथ इसके अंदर हम डाल देंगे ये अजवाइन है, कैरम सीड्स, ये हमने डालना है तकरीबन बस 1/2 टीस्पून के करीब में डालूंगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है। फिर ये है मूली के जो पत्ते थे, ये भी मैंने ले लिए हैं, ये भी बड़े मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर पराठों की फिलिंग में जब हम डालते हैं। तो ये मूली के पत्ते थे, ये भी मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिए हैं। ये हरा धनिया है, ये भी मैंने चॉप कर लिया है, ये चला जाएगा इसके अंदर। तकरीबन 1 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे हम इसके अंदर। फिर ये है हरी मिर्चें, ये भी मैंने इसकी बीजें निकाल दी हैं, बीजें निकाल के मैंने इसको चॉप कर लिया है हरी मिर्चों को, ये हम डाल देंगे तकरीबन 1/2 to 1 टीस्पून, ये चला जाएगा इसके अंदर। ये अदरक है, अदरक को भी मैंने जो है वो ग्रेट कर लिया था, तो ये समझे पिसी हुई अदरक नहीं है, ये पेस्ट नहीं है, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। ये मैंने ग्रेटेड अदरक है, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये अदरक इसमें चली जाएगी। इन सब चीज़ों को डाल के अब हमने इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से, सीजनिंग को सारी। ओके जी, तो ये हमारा मूली के पराठों का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, सारी सीजनिंग डाल के हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पराठे में फिल करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा आटा हमने रेस्ट देने के लिए रखा था, आधा घंटा हो चुका है इसको। अब हमने करनी है इसमें फिलिंग, तो उसके लिए हम सबसे पहले इस तरह से आपने ये एक बॉल साइज
का वो ले लेना है, पेड़ा ले लेना है, इसको इस तरह से शेप देना है। अच्छा, इसके दो तरीके मैं आपको दिखाऊंगी फिलिंग करने के, दो तरीके मैं आपको दिखाती हूँ, जो सा तरीका आप लोगों को इजी लगे आप वो उस तरह से फिलिंग कीजिए इसके अंदर। एक तरीका जो मैं आपको दिखाती हूँ वो है इस तरह से, आपने इसकी ये बॉल बना ली। बॉल बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस करना है ऐसे करके। अब इसको हमने साइडों पे से इस तरह से हमने थोड़ा सा हॉलो कर लेना है इसको, साइडों पे से ऐसे दबा दबा के बीच में थोड़ा सा हमने इस तरह से गढ़ा सा बना लेना है। और इसके अंदर इस तरह से गढ़ा बनाने के बाद अब इसके अंदर हमने डालनी है अपनी ये जो मूली की हमने फिलिंग बना के रखी थी, इस तरह से आपने इसको जो हमने बीच में एक होल सा बनाया है इसके अंदर ये फिलिंग भर देनी है। इतनी ही फिलिंग भरें जितनी आपको बेलने में आसानी होगा, बहुत ज़्यादा फिलिंग कर देंगे तो फिर वो बेलने में मुश्किल होगी आपको। इस तरह से हमने फिलिंग इसके अंदर भरने के बाद इसको हमने साइडों पे से बंद कर लेना है, चारों साइडों पे से इस तरह से, इस तरह से घुमा घुमा के आपने इसको बंद कर देना है। और ये इस तरह से जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसको आपने यूं करके चुटकी से निकाल देना है इसको। ये देखिए, ये इस तरह से आपका ये फिलिंग के साथ एक पेड़ा तैयार हो गया। अब जो दूसरा तरीका है उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आपने जो कि हम यूजुअली आलू का पराठा, मतलब दाल का पराठा या मूली का पराठा जो हम बनाते हैं उस तरीके से ये बनेगा। दूसरा जो तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें आपने दो छोटे पेड़े ले लेने हैं, छोटे साइज के, बहुत बड़े नहीं लेने। अच्छा जी, ये दोनों हमारे बेल चुके हैं पेड़े। अब इसके अंदर हमने करनी है ये मूली की फिलिंग, इस तरह से सेंटर में ये फिलिंग डाल देंगे हम। ये देखिए, इस तरह से बीच में फिलिंग करके ये दूसरा वाला जो हमने बेली थी अपनी पराठे का पेड़ा, ये हमने इसके ऊपर रख दिया। अब इसको हल्का सा हाथों की मदद से दबा लेंगे, साइडें भी आपने बंद कर दी हैं दोनों साइडों से इसको दबा के। अब हमने इसको बेलना है दोबारा से, ताकि ये जो बीच में हमने फिलिंग की है ये तमाम चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए और हमारा पराठा शेप में आ जाए। हल्का सा फटेगा ये, लाइक इसमें से थोड़ी सी मूली की जो फिलिंग है वो बाहर आएगी, बट वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वही इसका टेस्ट है। इस तरह से हमने पराठा बेल लिया अपना। मेरा ये तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हमने ये जो जो पराठा बेला था ये डाल दिया है हमने। पहले इसको एक साइड से सेकेंगे। ओके जी, एक साइड हो चुकी है, इसको हमने फ्लिप करना है दूसरी साइड पे। अब हमने इसको तलने के लिए, ये मैं असली घी ले रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में कर सकते हैं, चाहे तो रेगुलर जो घी होता है उसमें कर सकते हैं। हमारे घर में हमारे मियाँ जी को जो है वो असली घी बहुत पसंद है, तो मैं इसको असली घी में फ्राई कर रही हूँ। घी होना चाहिए सही से, क्योंकि ये है पराठा, पराठे में जब तक सही से घी ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं पराठे का। तो हमने इसको फ्राई करना है। फ्लिप, ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है ये। उसी तरफ से भी इसी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। ओके जी, तो ये हमारे मजेदार से ये मूली के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। पराठे के साथ मैंने ये टमाटर की चटनी सर्व की है, साथ में मैंने जो है ये दही ली है। आप चाहें तो वो चीनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मीठी दही बना सकते हैं इसको, और ये अचार है। इन सारी चीज़ों के साथ हम इसको सर्व करेंगे। आप लोग ट्राई कीजिए और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।